अरे सही तरीके से जांच हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ओरिजिनल मीटिंग जेल के अंदर हो सकती है, बाहर नहीं हो सकती। इसका करप्शन नहीं था। आदरणीय इंदौर वासियों, आपने दो नंबर का एक लगातार विधायक चुना, उसके होर्डिंग पोस्टर लगते हैं तो सिटी सीटरों के साथ ही लगते हैं, जो जमीन पर कब्जे करने में महारत हो, हत्या करने में महारत हो, उनका साथ फोटू लगते हैं, रैलियां निकलती है। बहुत साथ दिया इंदौर शहर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी। वो तीन नंबर के विधायक हो, चार नंबर की हमारी विधायक हो, जिनके कार्यकाल में ही फर्जी बिल घोटाला पनपा। अभी आप देखो हमारी पूर्व महापौर जी की जो चार नंबर से विधायक है उनकी करनी देखो आप। ये जितने विज्ञापन के वोट लगे रहते हैं नगर निगम के अंतर्गत, इसको 2018 में टेंडर हुआ था, 2018 से 5 साल के लिए बात हुई, 50 मीटर पे एक होर्डिंग लगना था, 10-10 मीटर पे लगे हैं। 5 करोड़ रुपया हर महीने नगर निगम का घाटा है, पर किसका है, कैसा है विज्ञापन का काम, किसका है? अलग से 2 करोड़ रुपए महीने जाते हैं और 5 करोड़ रुपए महीने नगर निगम का लाश होता है, ये नहीं दिखता इन भ्रष्टाचारियों को? ये भारतीय जनता पार्टी को जो भरोसा किया इंदौर शहर की जनता ने, ये जो विज्ञापन के लिए जगह जगह होर्डिंग लगे, इन होर्डिंगों का घोटाला नहीं दिखता? आज तक उस कंपनी ने 15 करोड़ रुपए के आसपास नगर निगम के नहीं दिए, और वो रोज अपना विज्ञापन से पैसे वसूल करते हैं। कौन लोग हैं ये? हमारे जो यहाँ के मंत्री है बड़ी ईमानदारी की बातें करते हैं। क्या कारण है सज्जन भैया? इंदौर का मास्टर प्लान आ रहा है और इंदौर के मास्टर प्लान में 9-9 विधायकों में 900 दलाल घूम रहे हैं कि हम लैंड यूज चेंज करा देंगे। ये 900 दलाल इंदौर में हर छुट भैया ये कहता है, क्या लैंड यूज चेंज कराना है? चलो हमारी कैलाश जी से बात है, चलो हमारी उससे बात है। अरे तीन ऑफिस चल रहे हैं इंदौर में इस बात के कि लैंड यूज चेंज कैसे हो, भ्रष्टाचार कैसे, जमीनों का खेल हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी उसमें लग गई और इंदौर शहर की जनता ने उन पर भरोसा किया। कांग्रेस के भाइयों, या उपस्थित मेरी बहनों, कांग्रेस के नेताओं, याद रखो हम वो लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के विचार को आत्मसात करके देश को आजाद कराया है। कई बार हमले हुए हमारे पे, कई बार कमजोर करने की कांग्रेस को साजिशें हुई, पर अंततः कांग्रेस ही वो पार्टी जिसने देश को बचाया है। इंदौर में पेड़ लगाने का अभियान था, अमित शाह जी आए थे, 11 लाख पेड़, बागुड़ लगा दी बागुड़, और उस बागुड़ को भी गिनाने लग गए कि ये पेड़ है। मैं चुनौती देता हूँ कैलाश विजयवर्गीय जी को कि सत्यापन कराए कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आपने इवेंट किया, विज्ञापन दिए, वाह भाई लूटी। अगर 11 लाख में सिर्फ 5 लाख पेड़ गिनवा दो आप, तो हम मानेंगे कि ये आदमी जिसको इंदौर शहर की जनता ने चुना है, इसमें थोड़ी सच्चाई है। बात इतनी है कि मैंने जैसा कहा कि ये पेड़ भी लगा रहे थे सज्जन भैया, ये मोहन यादव की जड़ें हिला रहे थे, अमित शाह को बुलाकर इवेंट करके बता रहे थे कि मैं लेता हूं, ये पेड़ लगाना तो बहाना था। राजनीतिक रूप से हमारे जो अभी पर्ची के मुख्यमंत्री बने हैं उनकी जड़ों को हिलाना था, ये एक कोशिश। ये भ्रष्टाचार भी क्यों हो रहा है? ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? ये इसलिए कि बीजेपी में भी इंटरनल लोटस की तैयारी चल रही है, कौन मुख्यमंत्री बने, किसको हटा दूं, किसको बना दूं, इसका प्रयास अलग अलग तरीके से चल रहा है। पर इंदौर शहर के वासियों, कांग्रेसजनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने इनको वोट किया, भरोसा किया, सांसद में किया, विधानसभा में किया, नगर निगम में किया, आखिर व्यापक होता है, आखिर बच्चों के पेपर लीक होते हैं, आखिर नौकरियों में घपले होते हैं, तो किस पे असर आता है? आप ही के बच्चों का गला घोटा जाता है, आप ही के बच्चों के भविष्य का गला घोटा जाता है। ये अभी नगर निगम ने कर बढ़ा दिए संपत्ति का, नगर निगम ने चढ़ कर, नगर निगम बिना भ्रष्टाचार की अगर कहीं नर्सरी है इंदौर में तो यही नगर निगम है। और ये जो अभी महापौर बने 2 साल कल हुए, अभी के भैया बता रहे थे, आदरणीय प्रमोद टंडन जी भी आए हैं, मैं अनुरोध कर रहा था कि 2 साल कल हुए हैं और 200 करोड़ के घोटाले में ईडी आ गई है।
मतलब इस महापौर की का असली चेहरा देखो, इस महापौर का असली करप्शन देखो। एक इंदौर शहर ऐसा शहर जिसने हमेशा अच्छे आयाम स्थापित किए, उसको कलंकित करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। इस बार लोकसभा हुआ तो इंदौर शहर की जनता को मत डालने से रोक दिया, इन लोगों ने अपहरण कर दिया कांग्रेस के प्रत्याशी। इन्होंने क्या किया इंदौर शहर की जनता के साथ, 2000 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बना, पिछले 10-15 साल से घोटाला है। अगर सही जांच हो तो बीजेपी की 3-4 बार की MIC जेल में मीटिंग करेगी, बाहर नहीं कर सकती। अगर इंदौर शहर के 9 विधायक बनाए, 9 विधायक बने, अभी मास्टर प्लान की बात होती, 900 दलाल घूम रहे हैं पूरे शहर कि हम तुम्हारा लैंड यूज चेंज करा देंगे, तुम्हारा ऐसा करा देंगे। ऐसा कैसा शहर है कि इंदौर शहर की जनता इन पे बीजेपी वालों भरोसे करते हैं और ये जितने गुंडे हैं, हिस्ट्री शीतर है, उनके फोटो होर्डिंग पे लगा दिया। इंदौर शहर की जनता ने स्वच्छता में नंबर 1 लाया शहर को, और बीजेपी के नेताओं ने होर्डिंग और पोस्टरों से गंदा कर दिया शहर। आखिर हम अपना काम करेंगे, ताकत से करेंगे, अंतिम सांस तक करेंगे, हर परिस्थिति में करेंगे, जेल जाएंगे, कुछ होगा, पर इंदौर शहर की जनता भी जागे, ये आपके बच्चों के भविष्य को निगल रहे हैं। सत्ता के मद में ये पेड़ लगाने का अभियान क्या था, ये पेड़ लगाना तो बहाना था, मोहन यादव की जड़ें हिलाना था, अमित शाह को खुश करना था। अरे 51 लाख पेड़ लगे, अच्छी बात है, खुशी होगी, पर्यावरण सुधरेगा, पर इंदौर का राजनीतिक पर्यावरण बिगाड़ा, इसका दोषी कौन है? और दूसरा, 51 लाख पेड़ लगे तो जितना क्षेत्रफल है इंदौर शहर का उससे डबल चाहिए, डबल हो तब लगेंगे। 11 लाख पेड़ का रिकॉर्ड बनाया, भौतिक सत्यापन जिस दिन कैलाश विजयवर्गीय गिन के करवा देंगे उस दिन नागरिक अभिनंदन करूंगा, और राजबाड़े पे 11 लाख पेड़। अरे बागुड़ लगा दी और पेड़ गिनवा दिए तुमने इवेंट के नाम पे, मूर्ख समझता हो सबको। ये कैलाश विजयवर्गीय जी अपनी वाहवाही के लिए इंदौर का दुरुपयोग करते, इसकी भावनाओं से खेलते हैं। कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी, कभी नहीं डरेगी, और अंतिम सांस तक लड़ेगी, जेल जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। ये चेतावनी है आपको भाई कि ये सीधे मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए, आयुक्त को दिया हमने कमिश्नर, जितना 2000 करोड़ रुपए का करप्शन फर्जी बिल कांड नगर निगम में हुआ है, और संपत्ति कर और जल कर आम जनता पे बोझ डाला गया है, जो भ्रष्ट अधिकारी है चौहों को पकड़ लिया, छोटे छोटे अधिकारियों को पकड़ लिया, एफआईआर कर दी, जो इसके पीछे सरगना से क्या हुआ, और जैसा मैंने कहा ये वाली भी और अगली वाली भी, जो भारतीय जनता पार्टी के MIC के मेंबर है सब जेल में जाएंगे अगर सही तरीके से जांच हुई तो। कांग्रेस पार्टी इसकी शिकायत लोकायुक्त और CBI को दोनों जगह इस नगर निगम कांड में करेगी, और संबंधित जितने भी करप्ट लोग हैं उनको जेल की सलाखों में जब तक नहीं पहुंचाएंगे। इंदौर शहर ने लगातार 9 सांसद दिए, 9 विधायक दिए, अभी इसमें बीजेपी के नेता इवेंट कर रहे हैं, कहते हैं 51 लाख पौधे लगाएंगे, पर्यावरण अच्छी बात है, पर्यावरण का काम होना चाहिए, पर झूठ और इवेंट नहीं होना चाहिए। 51 लाख पौधे इंदौर शहर वासियों अगर लगाने पड़े तो अपने इतने घर में कैलकुलेटर लेना, और क्षेत्रफल 51 लाख पौधे को लिए जितना चाहिए, इंदौर डबल हो जाएगा तब भी पूरा नहीं हो सकता, मतलब मूर्ख बनाना। 11 लाख पौधे लगाएंगे, बागुड़ लगाएंगे और पौधे गिनाएंगे, ये किस तरह का क्राइम है इंदौर शहर की जनता की भावना के साथ। मैं इंदौर शहर वासियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप लगातार बीजेपी पर भरोसा करते हैं, और बीजेपी व्यापम करके, नर्सिंग करके, बीजेपी पेपर लीक करके, भर्तियों में घोटाले करके आपके बच्चों के भविष्य को निगलती है। आप बीजेपी पर भरोसा करते हैं, बीजेपी के लोग करप्शन करके आप पर जलकर और संपत्ति कर का बोझ डालते हैं, आप बीजेपी पे वोट देके भरोसा करते हैं, और बीजेपी के लोग माफियाओं को, गुंडों को, ऐसे लोगों को जो हर तरीके से कानून के नीति में अपराधी है, उनके फोटो बड़े बड़े विज्ञापन में लगाती है। ये मैसेज क्या है कि इंदौर शहर की जनता का अपमान है या नहीं है? अरे स्वच्छता को लेकर इंदौर शहर ने हर भावना का आत्मसात किया और देश में तमंगा दिया,
कि इस वक्त शहर बने हमारे। हर वर्ग ने दिया, हर परिवार ने दिया और बीजेपी ने होर्डिंगों से शहर को बदसूरत कर दिया। ये सोचो शहरवासियों, इंदौर वासियों, आप जितना भरोसा इन पे करते हो वो उसका कितना आपको वापस देते हैं, बस इतनी प्रार्थना करता हूँ। ये मैंने जैसा कहा, नगर निगम का करप्शन की सही जांच हो जाए तो पूरी बीजेपी के नेताओं को 3-3 MIC जेल में मीटिंग करनी पड़ेगी, बाहर नहीं। ये क्या आंदोलन आगे बताओ, आपके नाम बताओ। कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह को बुला के 5 लाख पौधे, 4 लाख पौधे को 11 लाख बता के रिकॉर्ड बना के अपनी वाहवाही लेना चाहते हैं, और उसके पीछे के चेहरे को समझो, ये मोहन यादव की जड़ों को खोखला करना चाहते हैं। मतलब बीजेपी के अंदर ऑपरेशन लोटस चलाना चाहते हैं, इसीलिए करप्शन से पैसा उगाना चाहते हैं। अरे आप बताओ कि इंदौर का मास्टर प्लान आ रहा है, 9 विधायक बीजेपी के हैं, उसके बाद 900 दलाल घूम रहे हैं लैंड यूज चेंज कराने के लिए। आखिर ऐसा इंदौर शहर था हमारा? इतना करप्ट इंदौर शहर की हमने कल्पना की थी? आज होर्डिंग से पटा पड़ा है इंदौर। क्या कारण है? स्वच्छता के लिए इंदौर शहर की जनता अपना सब कुछ देना चाहती है और बीजेपी के नेता शहर को गंदा करना चाहते हैं। क्या कारण है कि करप्शन का असर आपके बच्चों के भविष्य पे पड़ता है? व्यापम हो, नर्सिंग हो, जो पेपर लीक हो, इसका भर्तियों के घोटाले हो, आखिर ये बच्चे जो प्रभावित हो रहे हैं वही तो है जो बीजेपी को वोट देते हैं, उन्हीं के बच्चे तो हैं। तो मेरा आग्रह इंदौर शहर की जनता से, हमारा शहर समझदारों का शहर है, बुद्धिमानों का शहर है। आप लोग वोट देते हो इसमें कुछ अच्छा समझे होंगे, पर इसका असर आप पे आ रहा है। अपने मन से इंदौर शहर की जनता आ गया है और बीजेपी का विरोध करे। धन्यवाद। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को हाईजेक कर इंदौर में लोकतंत्र की हत्या की। उन्होंने इंदौर का राजनीतिक प्रदूषण बिगाड़ा। इंदौर नगर निगम में हुए 100 करोड़ के घोटाले के खिलाफ कांग्रेस ने मंगलवार को मुख्यालय पर जमकर हल्ला बोला। पटवारी के साथ कार्यकर्ता संभागायुक्त कार्यालय पर जाने के लिए सड़क पर निकले और बैरिकेड लांघने लगे तो पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं को रोकना शुरू कर दिया। कुछ कार्यकर्ता जब बैरिकेड पर चढ़ने लगे तो पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग कर पानी की तेज बौछार मारकर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया। इस दौरान एक कवरेज कर रहे एक मीडियाकर्मी का बैरिकेड पर गिरने से सिर फट गया और 2 कार्यकर्ता भी घायल हुए। पुलिसकर्मियों ने इस दौरान लाठियां भी भांजी। बाद में पटवारी अरुण यादव, कुलदीप इंदौरा ने ADM रोशन राय को ज्ञापन सौंपा। मंच से संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को हाईजेक कर इंदौर में लोकतंत्र की हत्या की। उन्होंने इंदौर का राजनीतिक प्रदूषण बिगाड़ा। गांधी भवन में वे पौधारोपण के रिकॉर्ड का आमंत्रण देने आए थे, लेकिन विजयवर्गीय को इंदौर का पर्यावरण नहीं सुधारना था बल्कि गृह मंत्री अमित शाह के सामने यह बताना था कि वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। दरअसल भाजपा में अंदरूनी तौर पर ऑपरेशन लोटस की तैयारी चल रही है। इंदौर में 12 लाख पौधे लगाने का दावा किया जा रहा है, जबकि पौधे लगाने के नाम पर बागड़ लगाई गई है। बता दें कि हाल ही में इंदौर नगर निगम में फर्जी बिलों और अन्य घोटालों का खुलासा हुआ है, जिसने शहर में हड़कंप मचा दिया है। इन घोटालों के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन करने का आह्वान किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय के पास इकट्ठा हुए और जोरदार नारेबाजी की। जब कुछ कार्यकर्ताओं ने निगम परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की तो पुलिस ने बल का प्रयोग कर उन्हें रोक दिया और खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता और मीडियाकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शन के दौरान जीतू पटवारी और अरुण यादव ने ADM रोशन रॉय को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगर निगम के भ्रष्टाचार और घोटालों की निष्पक्ष जाँच की मांग की गयी है।